बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिकमान रीअरेंजमेंट। अब बिकमान रीअरेंजमेंट होता क्या है, तो इसमें भी कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। मींस दैट माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एटम टुवर्ड नाइट्रोजन एटम। और इस रीअरेंजमेंट में जो कीटो अग्जिम होता है वो कन्वर्ट होता है एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, RPCl5 और थाइनल क्लोराइड। अब हम बिकमान रीअरेंजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो द रीअरेंजमेंट In which the rearrangement in which an keto axiom is converted into an substituted amide in the presence of PCl5 concentrated H2SO4 or thionyl chloride SOCl2 etc. is called Beckmann's rearrangement। अब हमने Beckmann's rearrangement को डिफाइन किया कि the rearrangement in which an keto axiom ये कन्वर्ट होता है इनटू एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड में। कीटो ऑक्सिम एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 कंसंट्रेटेड H2SO4 और थाइनल क्लोराइड। इसको हम बिकमान्स रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बिकमान्स रीअरेंजमेंट। सो दिस इज बिकमान्स रीअरेंजमेंट। नाउ द रिएक्शन ऑफ बिकमान्स रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो कीटो अग्जिम होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड। तो कीटो अग्जिम आर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH आर स्टेरिक। इसको हम क्या कहते हैं, कीटो अग्जिम। तो ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 PCl5 आर थाइनल क्लोराइड SOCl2। तो इस रिएक्शन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज इसको स्टडी करेंगे इस रिएक्शन को। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और यहाँ पर आर स्टेरिक। दिस वन इज कॉल्ड एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है H2SO4। H2SO4 हम जनरली यहाँ पर लेते हैं। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इसको हम स्टडी करेंगे कि कीटो अग्जिम किस तरह इन सब्सटीट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। सो मैकेनिज्म ऑफ बिकमान्स रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हम कीटो अग्जिम लेते हैं आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर OH और यहाँ पर आर स्टेरिक। आर स्टेरिक हम जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर लेते हैं और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन एटम पर, कहाँ पर, इस ऑक्सीजन एटम पर। सो इन द फर्स्ट स्टेप कीटो अग्जिम इज कन्वर्टेड इंटू बिटर लिविंग ग्रुप बाई प्रोटोनेटिंग इट। तो यहाँ पर ये ओ प्लस H2 हो जाएगा और यहाँ पर आर स्टेरिक। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वाटर इलिमिनेट फ्रॉम प्रोटोनेटेड कीटो अग्जिम। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड कीटो अग्जिम एंड आर ग्रुप माइग्रेट
इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन नाइट्रोजन एटम, टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन नाइट्रोजन एटम, सो आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर ओ एच टू प्लस, और यहाँ पर आर स्टेरिक। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा, माइनस एच टू ओ, तो आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आर स्टेरिक, आर स्टेरिक। वी कैन राइट हेयर इन द नेक्स्ट स्टेप आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आर स्टेरिक। अब यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप है ये माइग्रेशन करेगा टूवर्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन पर प्लस चार्ज, और एज ए रिजल्ट हमारे साथ आ जाएगा आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर आर स्टेरिक। मैंने पहले भी कहा कि स्टेरिक हम यहाँ पर जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए लगाते हैं, हम ये वाला ग्रुप भी मूव कर सकते हैं और ये वाला भी, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब ये जो स्पीशी हमारे साथ लास्ट स्टेप में ऑब्टेन हुई है आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी, और यहाँ पर आर स्टेरिक। जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एच प्लस और ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस इस कार्बन प्लस पर अटैक करेगा, कार्बन प्लस पर अटैक करेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो नतीजे के तौर पर हमारे साथ आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पर नेगेटिव, और यहाँ पर कार्बन के साथ ओ एच, ओ एच अटैच हो जाता है, और यहाँ पर क्या, आर स्टेरिक, आर स्टेरिक। अब यहाँ पर स्टेप में हमें टाटोमेराइजेशन करना पड़ेगा, इनोल फॉर्म को हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, कार्बन के साथ OH अटैच है, और यहाँ पर आर स्टेरिक। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है यह से निकल जाएगा और ये वाले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, तो आर यहाँ पर ये H नाइट्रोजन एटम के साथ आ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आर स्टेरिक। सो दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एन एन सब्स्टिट्यूटेड, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब इस रीअरेंजमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो ये है कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, क्योंकि कार्बन एक ही मॉलिक्यूल से शिफ्ट होता है टूवर्ड नाइट्रोजन एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सो दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और इसको हम कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन भी कहते हैं, और इसको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग न्यूक्लियोफाइल की होती है इसमें, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर बिकमान्स रीअरेंजमेंट। ओके, थैंक्स।